दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे अपने अकाउंट यानी कि फेसबुक अकाउंट को फाइंड कर सकते हैं, अपने सर्च कर सकते हैं, अपने अकाउंट को कैसे ढूंढ सकते हैं। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, क्रोम में जाके आपको ये सब कुछ करना होता है, तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे कि भाई मेरा नहीं हो रहा, कोई और तरीका बताओ। तो अभी इस वीडियो में मैं एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको ये लास्ट तक वीडियो देखना है। और मैं बता दूँ, आपने आपको ये नहीं पता कि आपने किस नंबर पर अकाउंट बनाया, किस जीमेल पर अकाउंट बनाया, वो आपको नहीं पता तो भी आपका अकाउंट मिल जाएगा, बस वीडियो कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है फाइंड अकाउंट का, वो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अभी तक हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाले वीडियो की आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फीस को भी चार्ज नहीं लगता। सो कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में बाद में बताएंगे मोबाइल के स्क्रीन पे जाके, लेकिन पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले टर्म एंड कंडीशन मेन जो होती है वो होती है आपका अकाउंट शो हो रहा है या नहीं, मतलब कि आपको अपना अकाउंट शो नहीं होगा क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपका अकाउंट किस नंबर से या किस जीमेल से आपने बनाया हुआ है, बहुत टाइम पहले बनाया होगा और उसके बाद आप बाद में ओपन करने जाते होगे तो आपको नहीं पता होगा कि ये अकाउंट मैंने बनाया तो है बट किस नंबर पे या फिर किस जीमेल पे बनाया है। तो ऐसी कंडीशन में अकाउंट आप अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में से शो करना है, मतलब देखना है, मतलब कि आप अपना खुद का दूसरा अकाउंट बना भी सकते हो और उसके द्वारा आप सर्च करके देखो कि वो वाला जो अकाउंट आप जिसको फाइंड करना चाहते हैं क्या वाकई में वो अकाउंट शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पे कंडीशन एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपका अकाउंट डिलीट या फिर जो डिसेबल वगैरह होता है तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट शो नहीं करता, चाहे आप पहले यूज़ कर रहे हो या नहीं करो, बट फेसबुक की तरफ से डिसेबल हो चुका है या फिर डिलीट हो चुका हो तो फिर वो अकाउंट शो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहले अगर वो अकाउंट आपके फ्रेंड के अकाउंट से शो हो रहा है तो सिंपली आपको करना क्या है वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर दिखाऊंगा, ठीक है। और जो ऑलरेडी आपका अकाउंट दिख रहा है तो फिर आप वो वाले क्रोम वाली यूज़ कर सकते हो, ट्रिक जो मैंने साइट में थंबनेल में दिखा दूंगा, ऑलरेडी वीडियो भी पड़ा है जाके देख सकते हो। तो जो आज की ट्रिक है कुछ अलग है, मतलब कि पहले जो जिनका अकाउंट शो करेगा उन्हीं फ्रेंड्स का रिकवर होगा, जिस फ्रेंड का अकाउंट शो नहीं होता अपनी दूसरी आईडी में या फिर अपने फ्रेंड की आईडी में उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो अकाउंट ही शो नहीं होगा तो आप कैसे पता चलेगा, एक लिंक जो कॉपी करनी होती है वो कैसे कहाँ से करेंगे, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सर्च कर सकते हो वो वाला ट्रिक जो कि मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो है फाइंड अकाउंट के बारे में, प्रॉम्प्ट से करना होता है। तो चले जाते हैं आप मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां से हमें क्या करना है जिसके थ्रू हमारा अकाउंट वापस मिल सकता है, तो चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले कोई भी आपको ब्राउजर सेलेक्ट करना है या फिर अपने फ्रेंड का मोबाइल लेना है या फिर उसका अकाउंट लॉगिन करके आपको देखना है, या फिर आप अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो कि मेरा अकाउंट सर्च करके देख। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना खुद का अकाउंट सर्च करके रखा है, मैं इस अकाउंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपने अकाउंट को कैसे शो कर सकते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस अकाउंट में कौन सी ईमेल लिंक या फिर नंबर लिंक है, वो कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये वाला अकाउंट है और ये अकाउंट मेरे दूसरे अकाउंट में से शो हो रहा है, ठीक है। बट अगर वो आपके फ्रेंड में भी नहीं है तो अकाउंट तो शो जरूर करेगा। अपनी जो ये प्रोफाइल पिक्चर है वो याद रखनी है, मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं पता होगी तो आपके नेम के रिलेटेड बहुत सारे अकाउंट हो गए तो उस टाइम फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर याद होनी ज़रूरी है, और सारे अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर सेम तो होती नहीं है तो आप अपने अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर फाइंड कर सकते हो, पहले वो काम करना, ठीक है। अब पता चल चुका है कि आपका अकाउंट कौन सा है तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे नीचे चले आना है और मैं इस अकाउंट की सी नीर अबाउट इन्फो पे जाता हूँ। तो ये सारे मैंने अकाउंट टेम्पररी यूज़ कर रहा हूँ, मैं फेसबुक का रेगुलर यूज़ नहीं करता, अगर कोई मैसेज करेगा तो रिप्लाई आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं आया, क्योंकि मैं ये आपको सिखाने के लिए अकाउंट्स यूज़ करता हूँ, मैं फेसबुक को यूज़ नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे जाएंगे नीचे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब फेसबुक आईडी मिलेगी नीर कामेती, और ये जो आईडी यही हमारा काम करेगी। अब मान लीजिए ये वाले आईडी आप अपने अकाउंट में शो नहीं हो रही तो क्या करोगे, कैसे पता करोगे अपने अकाउंट की आईडी जो फेसबुक आईडी है वो कौन सी है। तो इसके लिए भी एक मैंने ट्रिक निकाली है, यहाँ पे ट्रिक नहीं आएगी, सिंपल सी आपका काम है, कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस प्रोफाइल बैक कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ये मतलब प्रोफाइल पे आ जाना है, अपनी अकाउंट के प्रोफाइल में आ जाना है और ऊपर जो लिंक है उसको कॉपी कर लेना है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो लेकिन अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा, इसलिए कॉपी कर लीजिए
उसके बाद अपने व्हाट्सअप में यहाँ पे कहीं पे शेयर कर रहा हूँ, और ये देख लीजिए मैंने पहले भी शेयर कर रखा है ट्राई करने के लिए, तो ये भी मैंने शेयर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लिंक दिए है, उसके नीचे facebook.com, उसके बाद जो नेम है वो आपका प्रोफाइल आईडी नेम होगा, जो कि यहाँ पे ये वाला जो है मैं दिखा रहता हूँ, ये जो सॉरी यहाँ पे हम बैक चले जाते हैं और सी नियर अबाउट में जाते हैं, तो ये वाला जो है अगर किसी अकाउंट का शो नहीं होता या अपने अकाउंट का शो नहीं होता तो उस कंडीशन में ये वाला कॉपी वाला करके आप मतलब कॉपी वाला ट्रिक यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं कि ये वाली आईडी कौन सी है। मैं एग्जांपल के थ्रू एक और एक अकाउंट लूँगा, पता नहीं कौन होगा, जो भी बंदा होगा किसी और का लेंगे हम, तो यहाँ पे वो फाइंड करें मतलब एक दूसरा अकाउंट हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपको अंदाज़ा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम, मैंने एक और अकाउंट सर्च कर रखा है और पता नहीं ये भी कौन है, बट एनीवेज यहाँ पे इसके सी पाथ अबाउट इन्फो में जाएंगे तो इनका भी शो हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे इनका नंबर हाइड कर रखा है, लेकिन इसके सामने देख लीजिए पार्थ 4 है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। अब यही आईडी हमें शो करेगी उस लिंक के द्वारा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम प्रोफाइल पे बैक आ चुके हैं और फिर से इसकी भी लिंक जो कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे वापस यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और पेस्ट करने के बाद आप ध्यान से फिर से लीजिए पार्थ 4 यहाँ पे भी आ चुका, मतलब कि आपको अगर वो आईडी शो नहीं होती प्रोफाइल में जाके देखने से तो आपको लिंक कॉपी करनी है प्रोफाइल पे जाके, और जो ये जो स्लैश है, ये जो स्लैश है फेसबुक डॉट के बाद उसके पीछे का और ये क्वेश्चन मार्क है उसके आगे का आपकी प्रोफाइल का आईडी होगा, मतलब फेसबुक आईडी होगी। ये तो आपको आईडी मिल चुकी है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, मैं एक और ब्राउज़र ले लेता हूँ, क्रोम बीटा, आप वही ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो क्योंकि मेरा उस ब्राउज़र में अकाउंट लॉगिन है, इस वजह से मैं दूसरे ब्राउज़र यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप उसी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो लॉग आउट करने के बाद। अब यहाँ पे मैंने फेसबुक ओपन कर दिया, अब जी जाएंगे नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना, क्योंकि आपको नंबर नहीं पता, ईमेल एड्रेस नहीं पता तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले नंबर का आएगा, जो कि अगर आपको नंबर पता है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, मतलब कि आपके पास अगर मल्टीपल नंबर है तो आप नंबर डाल के यहाँ पर सर्च कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट आ जाता है तो फिर आपको इजी पता चल जाएगा कि आपका नंबर उसी मतलब आपकी आईडी जो है वो उस नंबर पर लिंक है जो जिस नंबर को यहाँ पर डालने से आईडी शो होगी, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और फर्स्ट वाला जो वीडियो मैंने पहले बताया था वो उस वीडियो में यही मैंने ट्रिक यूज़ की है, मतलब बताई है, तो अगर आपको नंबर पता है तो फिर इजी से फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे सर्च बाय योर ईमेल एड्रेस और नेम इंस्टर पे क्लिक करता है, तो ईमेल एड्रेस भी आपको पता है तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल के भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी पता नहीं है, नंबर भी पता नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके अकाउंट ओपन हो जाएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे फाइंड का दिखा रहा हूँ, मतलब आप कैसे पता कर सकते हैं आपका अकाउंट किस ईमेल से वगैरह लॉगिन है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि कुछ फ्रेंड बहुत साल पुराने अकाउंट बनाया, बहुत पुराना अकाउंट बनाया और उस टाइम जो ईमेल वगैरह बनाई होगी वो आज यूज़ नहीं करते होगे, तो जाहिर सी बात है उस ईमेल आईडी का पासवर्ड भी नहीं पता होगा, तो फिर फॉरगेट पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि आप उनको पता नहीं होगा, पहले पासवर्ड भी नहीं पता होगा, अगर फॉरगेट करने जाओगे तो वो आईडी कौन सी वो भी नहीं पता होगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं कहूँगा कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन फाइंड जरूर कर सकते हैं, अंदाज़ा ज़रूर ला सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो कौन सी ईमेल या फिर नंबर पे लॉगिन है, मतलब बना हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जो आईडी कॉपी की, मतलब यहाँ पे मैंने जो आईडी पेस्ट की थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कौन सी थी, पहले ही हम अपनी खुद की दिखा देते हैं, तो neer.khameti ये है अकाउंट, और यहाँ पर हम जाएंगे वापस उस ब्राउज़र में, तो आपको एग्जैक्टली वही आईडी डालनी है जो बीच में मैंने जैसे बताया स्लैश और क्वेश्चन मार्क के बीच में होती है, वही आईडी डालनी है। अगर में कहीं किसी में नंबर वगैरह होता है तो वो भी डालना होता है, सिर्फ आप नेम डालोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट पे बीच में, तो मैंने वो भी डाला और सर्च कर लेते हैं, तो वो वाला अकाउंट मेरा शो ज़रूर करेगा यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, यही अकाउंट हमारा जो गाड़ी का था, मतलब गाड़ी, वो अकाउंट यहाँ पे आ चुके थे, मतलब आ चुका है। तो अब यहाँ पे पासवर्ड वगैरह में पता नहीं तो ट्राई अनदर वे पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारी ईमेल आईडी ये है, मतलब इस ईमेल आईडी पे हमारा अकाउंट बना है। अब यहाँ पे आपको बहुत पुरानी आईडी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो जीमेल है कौन सी है, तो वो आपको अपना खुद का काम, मतलब खुद फाइंड करना पड़ेगा कि आपकी ये इस नाम की, मतलब फर्स्ट एन वाली कौन सी थी, लास्ट में यहाँ पे एड्रेस एट द रेट से पहले ओ है जो मेरा, तो वो वाली ईमेल कौन सी थी, आपको वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से नहीं पता चलेगा क्योंकि फेसबुक पूरा ईमेल नहीं शो कराता, अगर आपको पूरा ईमेल पता है तो फिर इजीली आप ईमेल डाल के भी सर्च कर सकते थे, लेकिन वो तो आपको पता नहीं, तो यहाँ पे आपको खुद को एक मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है।
उसके बाद अगर आपके पास ईमेल वगैरह है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सीधे यहाँ पे नेक्स्ट करके कोड मंगवा के पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। बट यहाँ पे हम फाइन की बात कर रहे थे इस वीडियो में, ठीक है, हम फॉरगेट पासवर्ड की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पे नॉट नाउ कर लेते, मतलब नॉट यू कर लेते। एक और अकाउंट सर्च करते हैं जो मैंने दूसरा अकाउंट भी बनाया, मतलब बताया था, Parthu4 है। अब इसको हम सर्च करते हैं, देख यहाँ पे भी नंबर भी याद नहीं है, मतलब यहाँ पे Parthu4, अगर मैं Parthu ही लिखता हूँ तो क्या वाकई में ये अकाउंट आएगा, ये हम देख लेते हैं। सिर्फ मैंने Parthu लिखा, यहाँ पे सर्च करते हैं तो वो वाला अकाउंट शो नहीं करेगा जो मतलब हमने कॉपी किया था, वो नहीं शो करेगा। यहाँ पे कृष्णा Parthu करके कुछ और आया, मतलब कौन है पता नहीं, ठीक है। तो हमें तो वो वाला अकाउंट फाउंड करना है, तो गलत अकाउंट हो सकता है, इसलिए मैं आपको जो फेसबुक आईडी है वो रियल डालने के लिए बोल रहा हूँ। और वहीं जो नंबर बाद में होता है, जैसे कि Parthu4 है, यानी कि 4 एक नंबर है, तो वो भी डालना ज़रूरी होता है। और 4 के बाद भी बहुत बड़ा लंबा नंबर हो तो भी आपको डालना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर Parthu4 कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने Parthu4 कर दिया, मतलब वही जो नेम था वो मैंने डाल दिया, फेसबुक आईडी में नेम था, मतलब फेसबुक आईडी थी वो मैंने डाल दिया। अब सर्च पे क्लिक करते हैं तो वही अकाउंट हमारा शो करेगा, मतलब जो है, मतलब यहाँ पे कोड नंबर ही आ चुका, अंदाज़ा यहाँ पे सीधा नंबर आ चुका। तो आपके पास नंबर होगा तो वो अंदाज़ा पता चल जाएगा कि ये 62 वाला नंबर मेरा कौन सा है, ये आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। वो पूरा नंबर आपको पता है तो फिर इजीली फाइंड कर सकते हो और कोड मंगवा के पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। तो ये भी आपको, ये ट्रिक भी काफ़ी फ़र्क करेगी। उसके बाद ट्राई अनदर वे करते हैं तो आपके पास जीमेल वगैरह भी होगा और नंबर जो है वो यहाँ पे लिंक शो करेगा और वहीं अकाउंट आ चुका दिख लीजिए, है ना। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो अपने अकाउंट को फाइंड करने के लिए। सो गाइज, ये ट्रिक आप यूज़ करके अपना अकाउंट फाइंड कर सकते हो। और पहली वाली ट्रिक तो ऑलरेडी है और ये दूसरी ट्रिक है, तो आप आई होप आपका अकाउंट वापस बैक मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।